गुड इवनिंग। ऑडियो वीडियो क्लियर है मेरी? मैं अच्छी हूँ, आप बताइए, आप कैसे हैं? ऑडियो वीडियो क्लियर है, एक बार बता दें, आगे चलेंगे फिर जल्दी से। ऑडियो गुड इवनिंग। सभी ठीक है? बता दो कोई। ऑडियो क्लियर है? वीडियो क्लियर है? ठीक है, मैं पढ़ाना शुरू कर रही हूं, कोई कुछ बोल नहीं रहा। पढ़ाना शुरू करूं? गुड इवनिंग अंजलि। चलो, आज हेमचंद्र पढ़ना है ना? किसी ने मुझे अभी तक नहीं बताया ऑडियो वीडियो कैसी है। अब नहीं आ रही होगी आवाज, तो आप जिम्मेदार है उसके। ठीक है, मैं आगे चलती हूँ। ओके, तो हेमचंद्र को पढ़ना है आज हमने। ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम चलेंगे जल्दी से सीधा अपने टॉपिक पर। राइट, हेमचंद्र। हेमचंद्र को पढ़ना है। हेमचंद्र गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिंह और उनके भतीजे कुमारपाल के यहाँ इनका बड़ा मान था। हेमचंद्र की बात हो रही है। गोरखनाथ की पंक्ति, अब्दू रही है हटे बटे। इस सेंटेंस के नीचे कुछ पंक्तियां हैं, वो बता दो। कहाँ पर है ये पंक्तियां? कल ही पढ़ी थी हमने, है ना?
गोरखनाथ की पंक्तियां। गुड इवनिंग सुनील प्रभा, आई एम लेट मैम। ओके कोई बात नहीं, एम आई लेट? बस यही, मैंने एक ही लाइन पढ़ी है अभी, तो अभी सवाल आया है मेरे पास, मैं इसको ढूंढ रही हूँ कहाँ पर है। कहाँ पर है ये पंक्तियां, कल ही पड़ी थी, अभी मेरे आंखों के आगे आ नहीं रही कहाँ पर है। कल ही पढ़ी थी हमने ये, और गोरखनाथ की पंक्तियां हैं। गोरखनाथ, अच्छा आप क्या बता रहे थे, टेलीग्राम पे आप मैसेज नहीं कर पा रहे ये बता रहे थे? सिद्ध और योगियों का इतना वर्णन वहां से शुरू होता है, सिद्ध और योगियों का। पैराग्राफ बताओ, पैराग्राफ कहाँ से शुरू होता है? ओके ठीक है, इस मिल गया मुझे। इसके नीचे वाली पंक्तियां कौन सी? सिद्ध और योगियों का इतना वर्णन करके इस बात की ओर ध्यान दिलाना हम आवश्यक समझते हैं कि उनकी रचना है तांत्रिक विधान, योग साधना, आत्मनिग्रह, श्वास निरोध, विद्युतीय चक्र और नाड़ियों की स्थिति, अंतर्मुख साधना के महत्व इत्यादि की सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है। ये वाली पंक्तियां बोल रहे हो, कौन सी पंक्तियां हैं? पेज नंबर 27, पेज मतलब मिल गया मुझे 27। हाँ लेकिन आप पंक्तियां कौन सी बोल रहे हो ये बताओ, कौन सी पंक्तियां बोल रहे हो? पहली वाली, इसके नीचे वाली, शुरू वाली पंक्तियां? यस मैम, यही है। ओके एक मिनट। तो पंक्तियां हैं, वैसे मैंने कल भी बता दी थी आपको ये, पर कोई बात नहीं फिर से मैं बता देती हूँ। पीछे चलते हैं, कहाँ पर है ये, यहीं पर दिखा देती हूँ आपको। हाँ ये वाली पंक्तियां बोल रहे हो ना आप? ये वाली, सिद्ध और योगियों का इतना वर्णन करके इस बात की ओर ध्यान दिलाना हम आवश्यक समझते हैं कि उनकी रचना है तांत्रिक विधान, योग साधना, आत्मनिग्रह, श्वास निरोध, भीतरी चक्रों और नाड़ियों की नाड़ियों की स्थिति, अंतर्मुख साधना के महत्व इत्यादि की सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है। जीवन के स्वाभाविक अनुभूतियों की दशाओं से इनका कोई संबंध नहीं। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जो सिद्ध और योगी हैं, सिद्ध और नाथ है मतलब, बता रहे हैं शुक्ल की हम इनका इतना वर्णन करके इस बात की ओर ध्यान दे ले जाना चाहते हैं ये, हमारा मतलब पढ़ने वालों का, किस बात की ओर ध्यान दिला रहे हैं ये कि उनकी रचनाएं यानी कि सिद्धों और नाथों की रचनाएं कैसी थी? तांत्रिक विधान। मैंने आपको बताया था ये तंत्र मंत्र करते थे, सिद्धियां करते थे, है ना, और कुंडलिनी जागरण करते थे, ये सब मैंने आपको बताया हुआ है। तो तांत्रिक विधान, योग साधना, योग करते थे ये, योग साधना करते थे वही, जो कुंडलिनी जागरण जो मैंने आपको कल भी बताया था, ठीक है, ये वाला नाद बिंदु वाला, ठीक है। तो आत्मनिग्रह मतलब अपने आप को मारना, अपने अहम को खत्म करना, ठीक है। श्वास निरोध मतलब कि कुछ सांस से रिलेटेड भी कुछ इनकी क्रिया रहती है ना, इसी में जो इनका ये ध्यान साधना है, कुंडलिनी जागरण है, इसी में ये सारी क्रियाएं रहती हैं। भीतरी चक्र, इसमें कुछ चक्र रहते हैं, जैसे यहाँ पर माथे पर जहां तीसरी आंख होती है वहां पर भी एक चक्र रहता है, ठीक है। तो भीतरी चक्र और नाड़ियों, नाड़ियां यही है जो नीचे से ऊपर को जाती है, ठीक है। कौन कौन सी नाड़ियां थी वो? इला, पिंगला और सुषुम्ना, जिसको गंगा, जमुना और क्या नाम दिया है, तीन नाम दिए हैं इसको, ठीक है।
यही वाली नाड़ियों की बात हो रही है, नाड़ियों की स्थिति, ठीक है। अंतर्मुख साधना के महत्व, यानी कि जो अंदर में ये अपने एक साधना करते हैं उसके महत्व के बारे में बात की गई है। तो शुक्ल बता रहे हैं कि सांप्रदायिक शिक्षा है, संप्रदाय से रिलेटेड, धर्मों से संबंधित शिक्षा है। जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से इनका कोई संबंध नहीं है, मतलब कि स्वाभाविक शिक्षा नहीं है उसमें कोई भी। समझ आ गया? क्लियर है ममता? जल्दी बताएं, इज इट क्लियर? ओके, आगे चले। और किसी का कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। हम हेमचंद्र पढ़ रहे हैं आप, ओके वेलकम, ठीक है। अब किसी और का कोई सवाल है तो जल्दी से बताएं, फिर हम आगे चलेंगे। ओके, यहाँ पर है हेमचंद्र, गुजरात के सोलंकी राजा सिद्ध, राजा सिद्धराज जयसिंह और उनके भतीजे कुमारपाल के यहाँ इनका बड़ा मान था। हेमचंद्र की बात कर रहे हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, ये अपने समय के सबसे प्रसिद्ध जैन आचार्य थे। अपने समय के सबसे प्रसिद्ध जैन आचार्य, अगर पूछ लिया जाए कैसे, किस धर्म से रिलेटेड थे, तो जैन थे, ये बौद्ध नहीं थे, ठीक है, जैन थे जो हेमचंद्र थे। उन्होंने एक बड़ा भारी व्याकरण ग्रंथ सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन, इनका जो ग्रंथ है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और शुक्ल के कहने के अनुसार ये बड़ा भारी ग्रंथ है, मतलब बहुत बड़ा है, ठीक है, इंपॉर्टेंट ग्रंथ है हेमचंद्र का, सिद्ध हेम शब्दानुशासन। तो आपको ये याद रखना है, सिद्धराज के समय में बनाया गया था ये, सिद्धराज जयसिंह, ठीक है, सिद्धराज के समय में बनाया गया था, जिसमें संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का समावेश किया गया है। तो मतलब संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों भाषाओं का इसमें मिश्रण मिलता है। अपभ्रंश के उदाहरणों में इन्होंने पूरे दोहे या पद्य उद्धृत किए हैं, जिनमें से अधिकांश इनके समय से पहले के हैं। कुछ दोहे देखिए, भला हुआ जो मारिया बहिनी मारा कंतु, लज्जे जम तू वयसी अहु, जय भग्गा तरुएंतु। क्या कहती हैं, इनका इनका दोहा है ये, ठीक है, ये दोहा है इनका, और इसका मतलब क्या है ध्यान से समझिएगा, और कॉपी पेन अपने साथ रखें और अपनी बुक अपने साथ रखें, ठीक है, अंडरलाइन करते चलेंगे, लिखते चलेंगे। यहाँ बता रहे हैं, भला हुआ जो मारिया, मतलब कि एक सखी जो है दूसरी सखी से कह रही है, गुड मॉर्निंग पूनम, गुड मॉर्निंग अंकिता, थोड़ा सा लेट हो। ओके, तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं, जो एक सखी है वो दूसरी सखी से कह रही है, एक सखी किससे कह रही है, दूसरी सखी से क्या कह रही है, भला हुआ जो मारिया बहिणी मारा कंतु, कंतु का मतलब पति, ठीक है, कांता होती है पत्नी, कंतु पति। तो क्या कह रही है कि भला हुआ जो मार या भला हुआ जो मारा गया, बहिनी मतलब बहन, ये बहन, भला हुआ जो मेरा पति मारा गया, युद्ध में मारा गया, मतलब एक सखी दूसरी सखी को कह रही है, क्योंकि उसका पति क्या करता है, युद्ध में मर जाता है, तो वो एक सखी दूसरी सखी को कह रही है कि अच्छा ही हुआ कि मेरा पति मर गया, क्यों इतनी खुश है ये, क्यों इतनी खुश है अपने पति के मरने से। आगे ही अगली पंक्ति में क्या कहते हैं, लज्जे जम तू वयसी अहु, जय भग्गा घरुएंतु, कि अगर मुझे तो, मैं तो शर्म आती मुझे, अगर वो भागा हुआ, युद्ध से भागा हुआ घर आता, अगर वो युद्ध से भाग करके घर आ जाता तो मेरे लिए एक लज्जा की बात हो जाती, शर्म की बात हो जाती, तो अब मुझे एक खुशी है कि मेरा पति जो है वो युद्ध में शहीद हो गया है। अनुराधा, गुड इवनिंग, तो मुझे खुशी है कि मेरा पति जो है वो युद्ध में शहीद हो गया है, अगर वो भागा हुआ घर आता तो मैं किसी को मुंह नहीं दिखा सकती थी, अपनी सखियों को मैं क्या मुंह दिखाती, लज्जा आती मुझे, शर्म आती मुझे, ठीक है। तो ये वाली पंक्तियां मोस्ट इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं, हेमचंद्र की पंक्तियां हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, पूछी जाती, बहुत बार पूछी गई है, हेमचंद्र की पंक्तियां, हेमचंद्र के नाम से आपको पंक्तियां नोट करनी है और आपको इसका अर्थ भी पता होना चाहिए। रविंद्र, गुड इवनिंग, क्या पढ़ा रहे हो, आदिकाल पढ़ा रही हूं, आदिकाल प्रकरण दो, आदिकाल प्रकरण दो, हिंदी साहित्य का इतिहास, रामचंद्र शुक्ल, ठीक है। आज मेरा टारगेट है कि आज ये वाला प्रकरण खत्म करना है, बहुत दिन हो गए इसको,
हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल। एक तो आपकी क्लास होती है 7 बजे, एक्स्ट्रा टाइम ले नहीं सकती मैं, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, अदरवाइज एक्स्ट्रा टाइम लेके हम पूरा कर सकते हैं। भला हुआ जो मारिया बहिणी मारा कंतु, लज्जे जम तू वैसी अहू, जय भगा घर हुए तू। अगर वो घर भागा हुआ वापिस आता तो मैं लज्जा के मारे अपनी सखियों को क्या मुंह दिखाती, तो इसलिए अच्छा ही हो गया कि मेरा पति युद्ध में मारा गया। ठीक है, समझ आ गया यहां तक, आगे देखते हैं। अब इसका मतलब भी यहां पर बताया हुआ, भला हुआ जो मारा गया, हे बहन हमारा कांत, यदि वह भागा हुआ घर आता तो मैं अपनी समवयस्काओं से लज्जित होती। समवयस्काएं मतलब सखियां। जई सोना आवई दुई, घर काहम अहो मुहु तुझु, वैणु ज खंडई तस सहिए, सो पिय होई न मुझु। तो क्या बता रहे हैं, हे दूती, यदि वह घर नहीं आता तो तेरा क्यों अधोमुख है। हे सखी, जो तेरा वचन खंडित करता है, श्लेष से दूसरा अर्थ जो तेरे मुख पर चुंबन द्वारा क्षत करता है, वह तेरा प्रिय नहीं। मतलब ये इनके मीनिंग बताए हुए हैं, ठीक है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस भला हुआ जो मारिया वाला वो वाला सही है। क्या बोल रहे हैं, मैं भी यही सोच रही थी, क्या सोच रही थी, यही मैम 4 PM ले लो। देखो अब टाइम चेंज हो गया, और अब बिल्कुल भी हम चेंज नहीं कर सकते, बड़ी मुश्किल से पहले भी चेंज करवाया है, आपको पता ही है कि कितना मुश्किल से सर ने फिर चेंज किया है दोबारा टाइम, क्योंकि बाकी बच्चों को प्रॉब्लम हो जाती है, फिर टाइम का पता नहीं चलता है। ओके, तो अब हम चेंज नहीं कर सकते हैं, आप इसी टाइम में अपने आप को फ्री रखें। 6 से 7 तो सभी फ्री हो जाने चाहिए, पूरा दिन काम कर लो आप, 6 से 7 फ्री रहो, है ना। 1 घंटे की तो बात है, कौन सा आपका 2 घंटे जा रहे हैं, 1 घंटे की बात है, बस 1 घंटा आपको फ्री रहना है लाइव क्लास के लिए, है ना। अगर बाई चांस आप कभी नहीं देख पाते हैं तो आप रिकॉर्डेड अवेलेबल है, क्लास रिकॉर्डेड देख सकते हो, है ना। तो इस टाइम पे फ्री रखो अपने आप को, आज ये टॉपिक कंप्लीट हो जाए। हाँ आज मतलब मेरा यही है कि आज ये कंप्लीट हो जाए। ओके चलो, जे वो दिन ना, ठीक है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, इसको छोड़ देंगे, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है उसको मैं छोड़ती चलूंगी, ठीक है, क्योंकि ये सब कभी भी नहीं पूछा गया है पेपर में, ये तो इसलिए इसको छोड़ देंगे। जो दिन या अवधि देती, ओके छोड़ देते हैं इसको, आगे देखते हैं। पिय संगमी कौनी दड़ी, पिया पिय परखो केम, मह विन्नीवी विन्नासिया निह ना एव ना तेम। तो क्या बता रहे हैं, हेमचंद्र की ही पंक्तियां हैं, ये वाली भी इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं। पिय संगमी कहु निदड़ी, पिय परखो केम, मतलब क्या बोल रही है कि अगर मैं पिया के संग रहती हूँ, अपने पति के संग, अपने प्रेमी के संग भी रहती हूँ तो भी मुझे नींद नहीं आती है, और अगर वो मुझसे अलग हो जाता है तो भी मुझे नींद नहीं आती है। ठीक है, अगर मैं अपने पति के साथ मतलब प्रेमी के साथ रहती हूँ तो भी मुझे नींद नहीं आती है, और अगर मैं उससे अलग हो जाती हूँ तो भी मुझे नींद नहीं आती है। महाविन्नी विविन्नासिया निह ना एव ना तेव, मतलब कि मुझे ना ऐसे नींद आती है ना वैसे नींद आती है, मतलब दोनों ही सिचुएशन में मुझे नींद नहीं आती है, ना अलग होने पर नींद आती है, अलग होने पर विरह की जो अग्नि है वो मुझे तड़पाती रहती है, और जब हम साथ रहते हैं फिर भी मुझे नींद नहीं आती है। प्रिय के संगम में नींद कहाँ, और प्रिय के परोक्ष से भी क्यों करावे, मैं दोनों प्रकार से विनाशिता हुई, ना न्यो नींद ना त्यों, ये इसका मीनिंग है। ठीक है, अपने व्याकरण के उदाहरणों के लिए हेमचंद्र ने भट्टी के समान एक द्वयाश्रय काव्य की भी रचना की है, द्वयाश्रय काव्य हेमचंद्र, ठीक है, जिसके अंतर्गत कुमार पाल चरित नामक एक प्रकृत काव्य भी है। इस काव्य में भी अभ्रंश के पद्य रखे गए हैं, तो आगे देखते हैं। सोमप्रभ सूरी को यहाँ पे हेमचंद्र जो है कंप्लीट है, हेमचंद्र को देख लेना, हेमचंद्र के ही शिष्य हैं ये सोमप्रभ सूरी, ठीक है। अब इनको देखते हैं, ये भी एक जैन पंडित है, मतलब हेमचंद्र भी जैन, अब जैन काव्य शुरू हो गया है ना जो हम पढ़ रहे हैं, तो हेमचंद्र भी जैन है और सोमप्रभ सूरी भी जैन है, और हेमचंद्र के ही ये शिष्य हैं, ठीक है। इन्होंने संवत 1241 में कुमारपाल प्रतिबोध नामक एक गद्य पद्यमय संस्कृत प्रकृत काव्य लिखा, जिसमें समय समय पर हेमचंद्र द्वारा कुमारपाल को अनेक प्रकार के उपदेश दिए जाने की कथाएं लिखी हैं। तो क्या बता रहे हैं, 1241 में इस ग्रंथ का निर्माण हुआ है, 1241 में कुमारपाल प्रतिबोध इनकी रचना है, सोमप्रभ सूरी की इंपॉर्टेंट रचना है, ध्यान देंगे, ये नोट कर लेंगे अपने पास। ये कैसी रचना है, गद्य और पद्यमय संस्कृत प्रकृत काव्य, मतलब कि गद्य भी है इसमें, पद्य भी है इसमें, संस्कृत और प्रकृत दोनों दोनों भाषाओं में ये लिखा हुआ है, ठीक है।
जिसमें समय समय पर हेमचंद्र द्वारा कुमारपाल को अनेक प्रकार के उपदेश दिए जाने की कथा लिखी है। तो मतलब जो जो समय समय पर हेमचंद्र इनको उपदेश दिए, जो जो सिखाया, उसके बारे में इन्होंने लिखा हुआ है, क्योंकि ये इन्हीं के शिष्य थे हेमचंद्र के। ठीक है, यह ग्रंथ अधिकांश प्राकृत में ही है, बीच बीच में संस्कृत श्लोक और अपभ्रंश के दोहे आए हैं। मतलब ज्यादातर किसमें है, ये प्राकृत में, अधिकांश हिस्सा जो है इसका प्राकृत में, ध्यान रखना, इसको भी कोई पता नहीं चलता पूछ ले, है ना। अभ्रंश के पदों में कुछ तो प्राचीन है और कुछ सोमप्रभ और सिद्धिपाल कवि के बनाए हैं। प्राचीन में से कुछ दोहे दिए जाते हैं, रावण जायो जही, ठीक है इसको छोड़ देंगे, कुछ खास नहीं है ये, और इसके अगले वाला भी छोड़ देंगे। अब हम जैनाचार्य मेरुदंड पे सीधा जाएंगे। एक बार मैं देख लेती हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट तो नहीं है। ठीक है, मेरुदंड 57 करना है, क्या करना है 57? अनुराधा क्या कह रहे हो आप? जैनाचार्य मेरुदंड को देखते हैं। जैनाचार्य मेरुदंड का समय जो है 1361, सॉरी समय नहीं है इनका, संवत 1361 में इन्होंने कौन सी रचना लिखी है? प्रबंध चिंतामणि, इंपॉर्टेंट रचना है जैनाचार्य मेरुदंड की रचना, प्रबंध चिंतामणि। ये रचना संस्कृत ग्रंथ भोज प्रबंध के ढंग पर बनाई गई है। ठीक है, भोज प्रबंध के ढंग पर, ध्यान रहे, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पंक्ति, जिसमें बहुत से पुराने राजाओं के आख्यान संग्रहित है। ओके, इस पे एक शॉर्ट वीडियो भी बनी हुई है, शॉर्ट वीडियो देखते हो ना। 57 करना है संवत में, हाँ जी संवत में 57 माइनस करना है, माइनस। ठीक है, ओके। तो जो शॉर्ट्स आते हैं हमारे यूट्यूब पर, शॉर्ट वीडियो आपके काम के हैं वो, ठीक है आप उसको देख लिया करें, क्योंकि मैंने यही सारी जानकारी उसमें डाली होती है, तो आपको रिमाइंड भी हो जाएगा। मतलब अभी मैंने आदिकाल से ही वीडियोस उसमें बनाई हुई हैं जो हम पढ़ रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है, मतलब देख लेना है शॉर्ट वीडियो, अगर आप देखेंगे तो आपको रिमाइंड हो जाएंगी चीजें, और कुछ बारीकी से चीजें समझ आएंगी आपको। ठीक है, तो देख लेना, देखते रहना, साथ साथ में डेली हमारी शॉर्ट वीडियोस अपलोड होती हैं, आपके काम की हैं। इन्हीं आख्यानों के अंतर्गत बीच बीच में अपभ्रंश के पद्य भी उद्धृत हैं, जो बहुत पहले से चले आते हैं। कुछ दोहे तो राजा भोज के चाचा मुंज के कहे हुए हैं। मुंज के दोहे अपभ्रंश या पुरानी हिंदी में बहुत ही पुराने नमूने कहे जा सकते हैं। मुंज ने जब तैलंग देश पर चढ़ाई की थी, तब वहां के राजा तैलप ने उसे बंदी कर लिया था और रस्सियों से बांधकर अपने यहाँ ले गया था। वहां उसके साथ तैलप की बहन मृणालवती से उसको प्रेम हो गया, और इस प्रसंग के दोहे को देखिए, झाली टुकटो की, ठीक है, टूट पड़ी हुई आग से क्यों ना मरा, क्षार पुंज क्यों ना हो गया, जैसे डोरी में बंधा बंदर वैसे घूमता है मुंजो के। ठीक है, कुछ खास नहीं है, आगे चलते हैं। मुझ कहता है मृणालवती, ये उसका ही मीनिंग दिया हुआ है, जा मैं तो पच्चे, ओके ये भी कुछ खास नहीं है, आगे चलते हैं हम। बाहर छुड़ाकर तो जाता है, मैं भी वैसे ही जाती हूँ, क्या हर्ष है हृदय स्थित, अर्थात हृदय से यदि निकले तो मैं जानू कि मुंज रूठा है। ओके, कुछ खास नहीं है, आगे चलेंगे हम सीधा सीधा शारंगधर पर। ठीक है, बुक भी साथ साथ में निकालते चलेंगे, अंडरलाइन करते चलें, और जिनके पास बुक नहीं है वो क्या करें, नोट डाउन करते रहें। इनका आयुर्वेद का ग्रंथ तो प्रसिद्ध ही है, ये अच्छे कवि और सूत्रकार भी थे, ये सूक्तियां लिखते थे। ठीक है, इन्होंने शारंगधर पद्धति के नाम से एक सुभाषित संग्रह भी बनाया है। सुभाषितानी, सुभाषित संग्रह मतलब जिसमें नीति की बातें लिखी हो, आपके हर रोज आचार व्यवहार की बातें जिसमें होती है, उसको सुभाषित ग्रंथ कहते हैं। तो शारंगधर का ग्रंथ है शारंगधर पद्धति, सुभाषित ग्रंथ है ये, और अपना परिचय भी दिया इन्होंने। रणथंभौर के प्रसिद्ध वीर महाराज हमीर देव के प्रधान सभासदों में राघव देव थे, उनके भोपाल, दामोदर और देवदास ये तीन पुत्र हुए। दामोदर के तीन पुत्र हुए शारंगधर, लक्ष्मीधर और कृष्ण। तो इनके जो लक्ष्मीधर और कृष्ण इनके भाई थे। ठीक है, हमीर देव संवत 1357 में अलाउद्दीन की चढ़ाई में मारे गए थे। अतः शारंगधर के ग्रंथों का समय उक्त संवत के कुछ पीछे, अर्थात विक्रम की 14वीं शताब्दी के अंतिम चरण में मानना चाहिए। विद्याधर, विद्याधर को छोड़ दो, कुछ खास नहीं है उसमें। ठीक है, मैं देख रही हूँ इधर बुक पे भी साथ साथ में।
ओके विद्याधर, मैंने आगे तो नहीं रखा है, 1 मिनट, विद्याधर की एक लाइन इंपॉर्टेंट है, मैंने शायद आगे रखा हो, नहीं रखा है शायद। ओके कोई बात नहीं, ऐसे करते हैं, विद्याधर की एक लाइन में यहाँ पे बता देती हूँ आपको, जो इंपॉर्टेंट है, जो पूछी गई है बस, बाकी कुछ खास नहीं है। ये विद्याधर, यहाँ पे लिख रही हूँ पंक्ति, देखो जो इनका जो ये दोहे दिए है ना, इसके नीचे वाली जो पंक्ति है, ये लास्ट पंक्ति है, मतलब यहाँ पे लिखा है, यदि विद्याधर को समसामयिक कवि माना जाए तो उसका समय विक्रम की 13वीं शताब्दी में समझा जा सकता है। तो यदि, मतलब ये पूरी पंक्ति में यहाँ पर लिख रही हूँ, आपको नोट कर लेना इसका समय सिर्फ, ठीक है, समय पूछा गया था इसका भी, यदि विद्याधर, मतलब रिसेंटली पूछा गया इसका समय, विद्याधर को समसामयिक कवि माना जाए, कवि माना जाए तो उसका समय कितना ठहरता है, विक्रम की 13वीं शताब्दी, विक्रम की 13वीं शताब्दी ठहरता है। जल्दी से नोट कर लें इसको, फिर मैं आगे चलूंगी। क्लियर है? विक्रम की 13वीं शताब्दी, इनके लिए याद रखना है आपको। समसामयिक का मतलब होता है कि उसी समय में, समान समय में, ठीक है, सेम समय। हो गया, नोट कर लिया, आगे चलें। जल्दी बताएं, आगे चलें, आज प्रकरण कंप्लीट करना है हमें। ओके तो थोड़ा जल्दी जल्दी से आप लिखते चलेंगे। ओके शारंगधर पद्धति में बहुत से शाबर मंत्र और भाषा चित्र काव्य दिए हैं, जिनमें बीच बीच में देशभाषा के वाक्य आए हैं। उदाहरण के लिए श्रीमल देव राजा की प्रशंसा में कहा हुआ यह श्लोक देखिए, नूनम बादलम छाइखे पसरीश निश्राण शब्द खर। ओके हाँ, बस आपको आपको बोलना नहीं है, आप थम्स अप दे दिया करो सिर्फ, ठीक है, थम्स अप दे दिया करो, फिर मुझे समझ आ जाया करेगा कि आपको आगे चलना है। शारंगधर का ये वाली पंक्ति देख लेना, नूनम बादलम छाइखे पसरी निश्राण शब्द खर, नूनम बादलम, ठीक है, नूनम बादलम भी आप याद रख लेंगे श्रीधर के ना, शारंगधर के नाम पर, तो ठीक है इतना भी। शत्रु पाही लुटा ली तोड़ हनी सौ, ठीक है, ये कुछ खास नहीं है, आगे देखते हैं। परंपरा से प्रसिद्ध है कि शारंगधर ने हमीरासो नामक एक वीर गाथा काव्य की भी भाषा में रचना की थी। तो शारंगधर का हमीर रासो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वीर गाथा काव्य है, वीर गाथा काव्य है, ठीक है, जिसमें वीर की गाथा का वर्णन हो, वीर गाथा काव्य उसको कहते हैं। तो वीर गाथा काव्य की भाषा में रचना की है इन्होंने, इंपॉर्टेंट है ये पंक्ति, पूछी गई है बहुत बार, मतलब ये ग्रंथ पूछा गया है शारंगधर का हमीर रासो, पूछा ही जाता है ये, मतलब ज्यादातर, ठीक है, कई बार तो ऑप्शंस में आ जाता है। यह काव्य आजकल नहीं मिलता, उसके अनुकरण पर बहुत पीछे का लिखा हुआ एक हमीर ग्रंथ रासो, एक ग्रंथ हमीर राखो नाम को मिलता है, नाम का राखो ही है ना, यहाँ पर भी मीर रासो है, इधर रासो है बुक में, यहाँ पे राखो लिखा है। ओके प्राकृत पिंगल सूत्र, उलटते पलटते मुझे हमीर की चढ़ाई वीरता आदि के कई पद्य छंदों में के उदाहरण में मिले, मुझे पूरा निश्चय है कि ये पद्य
ये पद्य असली, यहाँ पे अमली लिखा है तभी मैं कंफ्यूज हो गई। असली हमें रासों के ही है, अतः ऐसे कुछ पद्य नीचे दिए जाते हैं। मैम ये रासों काव्य में है ना? हाँ जी रासों काव्य में आता है ये। हमीर रासो, रासो के नाम से जो भी जितने भी हैं ना वो रासो काव्य में ही आते हैं। ठीक है, ढोला मारिए ढिल्ली महा, ठीक है ये कुछ खास नहीं। आगे चलेंगे हम सीधा सीधा, अब आ जाएंगे अपभ्रंश की रचनाओं पर, अपभ्रंश की रचनाओं वाले पैराग्राफ पर, यहाँ पर। ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है जिसको हमें ध्यान से पढ़ना है, पीछे कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं था उसको छोड़ देंगे। यहाँ पर है अपभ्रंश की रचनाओं की परंपरा यहीं समाप्त हो जाती है। अपभ्रंश की रचनाओं की का जिक्र चल रहा था, और जो जैन काव्य है वो अपभ्रंश में लिखा गया, आपको पता है ना। यद्यपि 50-60 वर्ष पीछे विद्यापति ने बीच बीच में, पीछे मैंने बताया था शुक्ल का पीछे का मतलब कहने का होता है बाद में, 50-60 वर्ष बाद विद्यापति ने बीच बीच में देशभाषा के भी कुछ पद्य रखकर अपभ्रंश में दो छोटी छोटी पुस्तकें लिखी, पर उस समय तक अपभ्रंश भाषा का स्थान देव भाषा ले चुकी, देश भाषा हो गई, देश भाषा ले चुकी थी। प्रसिद्ध भाषा तत्वविद सर जॉर्ज ग्रियर्सन जब विद्यापति के पदों का संग्रह कर रहे थे उस समय उन्हें पता लगा कि कीर्तिलता और कीर्ति प्रताप का नाम की प्रशस्ति संबंधी दो पुस्तकें भी उनकी लिखी है। अब यहां से दो चीजें हमारी क्लियर होती है, पहली ये कि जो विद्यापति के पदों का संग्रह है वो किसने किया है, जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया है। ठीक है, और जो विद्यापति है विद्यापति की दो रचनाओं का पता लगता है, कौन कौन सी, कीर्तिलता और कीर्ति पताका। समझ आ गई ये दोनों पॉइंट आपको। प्रशस्ति संबंधी, प्रशस्ति का मतलब होता है प्रशंसा की बातें जिसमें लिखी हो, है ना। प्रशस्ति संबंधी दो पुस्तकें भी उनकी लिखी हैं, पर उस समय इनमें से किसी का पता ना चला। थोड़े दिन हुए महामहोपाध्याय पंडित हरप्रसाद शास्त्री नेपाल गए थे पंडित हरप्रसाद शास्त्री, वहां राजकीय पुस्तकालय में कीर्तिलता की एक प्रति मिली जिसकी नकल उन्होंने ली, नकल मतलब एक फोटोकॉपी। ठीक है, इस पुस्तक में तिरहुत के राजा कीर्ति सिंह की वीरता, किसमें, कीर्तिलता में, उदारता गुणग्राहकता आदि का वर्णन, बीच बीच में कुछ देश भाषा के भी पद्य रखते हुए, अपभ्रंश भाषा के दोहा चौपाई छप्पे छंद गाथा आदि ग्रंथों में, छंदों में किया गया है। इस अपभ्रंश की विशेषता यह है कि यह पूर्वी अपभ्रंश है, इससे क्रियाओं आदि के बहुत से रूप पूर्वी हैं। नमूने के लिए कुछ उदाहरण लीजिए, रज लुद असलान बुद्धि बिकम बलेहारल हारल मारल, है ना, इस तरह के जो शब्द हैं अगर आपको कहीं लिखे मिल जाए तो समझ लेना कि विद्यापति हैं। विद्यापति ऐसे शब्दों का यूज करते हैं, हारल मारल मतलब जिसमें ऐसे ल हो रहा लास्ट में। तो अगर कोई ऐसा पैरा आपको आ जाए और पूछा जाए कि किसकी पंक्तियां हैं तो ध्यान रखेंगे विद्यापति, है ना। और यहाँ पर जो है कीर्तिलता में कीर्ति सिंह की वीरता का वर्णन है, और कीर्ति पताका में अभी आगे आ जाएगा, ठीक है इसको देख लेंगे आगे। पास वैसी विश्वासी राय गयनेसर मारल मारंत राय रण रोल पडू मेनी हाहा सद्य अहू, ठीक है ये कुछ खास नहीं है, बस हारल मारल जहां पे लिखा मिल जाए तो समझ लेना कि ये क्या है, विद्यापति की पंक्तियां। ये बीता हुआ काल होता है मैम मैथिली लैंग्वेज में, हारल और मारल। अच्छा मुझे इतना ज्ञान नहीं है, मतलब इतना उतना पता नहीं है मुझे। आपको आती है ये वाली मैथिली भाषा श्वेता? दूसरी विशेषता विद्यापति के अपभ्रंश की यह है कि वह प्राय देश भाषा कुछ अधिक लिए हुए हैं, और मतलब जिसके पीछे ल आया है। अच्छा, और उसमें तत्सम संस्कृत शब्दों का वैसा बहिष्कार नहीं है, तात्पर्य यह है कि वह प्रकृत की रूढ़ियों से उतनी बंधी नहीं है। उसमें जैसे एक प्रकार के टकसाली अपभ्रंश है, पुरिस पुरिस तेन पुरिसऊ नहीं पुरिस सर जन्म मित्तेन, ठीक है ये कुछ खास नहीं है। यस मैम मैं तिरहुत से हूं, मुझे वो स्क्रिप्ट भी आती है। अरे वाह वेरी गुड, तब तो आपको गाना भी आता होगा, है ना, इस भाषा में। वैसे ही इस प्रकार की देश भाषा या बोली भी है, कतहु तुरुक बरकर बार जाए ते बेगार धर धरी आनन बाभन भरुआ मथा चढ़ावई गाय का चरुआ,
हिंदी बोले दुर्हिनिकार छोटे तर का भक्ति मान, ये वाली इंपॉर्टेंट भक्ति है ठीक है। हिंदू बोले दुर्हिनिकार छोटे तर का भक्ति मान, विद्यापति की यही पंक्ति और इंपॉर्टेंट पंक्ति है। आवाज में जैसे लेकिन गा लेती हूँ। अच्छा आवाज में नहीं जैसी है। अरे आवाज तो अच्छी होती है ना। ओ हमारा तो प्रकरण कंप्लीट होने वाला है। अच्छा हिंदू बोले दुर्हिनिकार छोटे तर का भपकी मारो के। अपभ्रंश की कविताओं में जो नए पुराने नमूने अब तक दिए जा चुके हैं उनसे इस बात का ठीक अनुमान हो सकता है कि काव्य भाषा प्राकृत की रूढ़ियों से कितनी बंधी हुई चलती रही। ये सेकंड प्रकरण कंप्लीट। हाँ बोलचाल तक के तत्सम संस्कृत शब्दों का पूरा बहिष्कार उसमें पाया जाता है। उपकार नगर विद्या वचन ऐसे प्रचलित शब्द भी उवर नउर बिजा वर्ण बनाकर ही रखे जाते थे। जासु तासु ऐसे रूप बोलचाल से उठ जाने पर भी पोथियों में बराबर चलते रहे। अब हमारे पास कितना कंटेंट बचा है मेरा? हाँ बस दो ही स्लाइड्स बची हैं, फिर कुछ और पढ़ना पड़ेगा क्योंकि तो आगे मैंने पीपीटी बनाई नहीं है। तो आदिकाल वाली भक्ति काल वाली बनी है और कुछ क्वेश्चंस भी बनाए हुए मैंने, अगर दोनों में से आपको जो अच्छा लगेगा हम पढ़ लेंगे ठीक है। भक्ति काल वाली पीडीएफ बनी हुई है, भक्ति काल जो आगे जो हमारा बच गया है पढ़ने को, और जो आपका अभी एग्जाम हुआ है लेटेस्ट जून जून वाला एग्जाम, उसका फर्स्ट शिफ्ट वाला पेपर भी है, तो जो आप बोलेंगे दोनों में से देख लेंगे ठीक है। विशेषण विशेष्य के बीच विभक्तियों का समानाधिकरण, अपभ्रंश काल में कृदंत विशेषणों से बहुत कुछ छूट चुका था पर प्रकृत की परंपरा के अनुसार अपभ्रंश की कविताओं में कृदंत विशेषणों में मिलता है। जैसे गेहूं ना गेहूं ना गेहूं ना गौ को यौवन को ना झुर गए यौवन को ना पछता, तो जो यौवन चला गया है उसके लिए पछताव नहीं है ना। जब ऐसे उदाहरण के साथ हम ऐसे उदाहरण भी पाते हैं जिनमें विभक्तियों का ऐसा समानाधिकरण नहीं है तब यह निश्चय हो जाता है कि उनका सन्निवेश पुरानी परंपरा का पालन मात्र है। ये इसमें हम पेपर डिस्कस कर लेते हैं, क्वेश्चन करना है। ओके क्वेश्चन कर लेते हैं। इस परंपरा पालन का निश्चय शब्दों की परीक्षा से अच्छी तरह हो जाता है जब हम अपभ्रंश के शब्दों में मिठ और मीठी दोनों रूपों का प्रयोग पाते हैं। तब इस काल में मीठी शब्द के प्रचलित होने में क्या संदेह हो सकता है? ध्यान देने पर यह बात भी लक्षित होगी कि ज्यों 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 काव्य भाषा देश भाषा की ओर अधिक प्रवृत्त होती गई त्यों त्यों तत्सम संस्कृत शब्द रखने में संकोच भी घटता गया। शारंगधर के पद्यों और कीर्तिलता में इसका प्रमाण मिलता है। तो यहाँ पर ये फिनिश है और एक प्रकरण हमारा खत्म हो गया है, मतलब दूसरा प्रकरण आदिकाल का, और अब हमारा तीसरा प्रकरण कल से स्टार्ट होगा। तो मैं इसको पहले बंद कर लेती हूँ, उसके बाद फिर हम चलते हैं। बुक क्या कहाँ जाना है हमने? पेपर पेपर को एक मिनट ढूंढना पड़ेगा है ना, एक मिनट में आती हूँ मैं। अब बात यह है कि इसके आंसर भी मैंने साथ में लिख रखे हैं।
तो अब वीडियो दिख रही है ना मेरी? ठीक है। इसमें पूछा गया था निम्नलिखित में से, ये फर्स्ट शिफ्ट वाला पेपर है ना, फर्स्ट शिफ्ट। देखो मैंने आपको बोला था सेकंड शिफ्ट वाला पेपर किसी के पास है मुझे दे देना। किस किस का पेपर था सेकंड शिफ्ट में? कोई एक दे देना मुझे, कोई भी दे देना। विद्यापति की एक और रचना है ना, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, ऐसे बहुत सारी रचनाएं है ना। यहाँ पर जो शुक्ल ने जिक्र किया है वो सिर्फ यही रचनाओं का किया है ना रविंद्र। बहुत सारी रचनाएं हैं विद्यापति की, बहुत सारी हैं। कोई संस्कृत में है, कोई अवहट में है, कोई मैथिली में है, अलग अलग लैंग्वेजेस में रचनाएं उनकी मिलती हैं। ठीक है, इन तीनों में, संस्कृत में भी मिलती हैं, तो बाकी बुक्स में दी हुई हैं। पांडे वाली बुक है ना आपके पास, पांडे में सारी रचनाएं विद्यापति की दी हुई है। यहाँ जो जिसका जिक्र शुक्ल ने किया है ना वो सिर्फ इतनी ही है। ठीक है, कीर्ति पिताका तो मिला ही नहीं, हाँ यहाँ पर नहीं मिला। कोई बात नहीं, ये सारे हम पढ़ लेंगे आगे, है ना। तो अलग अलग जो राइटर होते हैं ना वो उतना ही लिखते हैं जितना उनको मिला होता है। पदावली भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ। तो हर एक राइटर उतना ही लिखता है जितना उसको मिला होता है, उसको मतलब जितना कि प्रमाणिक मिला होता है, या फिर कोई उसका प्रमाण, या फिर उसको कोई रचना लिखी भी मिलती है तो उसी को लिखते हैं राइटर। वो सारी चीजों को नहीं लिखते, सुनी सुनाई बातें नहीं लिखते हैं, जितना उनको मिलता उतना लिखते हैं। अब जो जिसका मतलब अलग अलग, इसीलिए तो हम अलग अलग किताबें पढ़ते हैं कि कुछ चीजें हमें एक बुक में मिलेगी, कुछ दूसरी में, कुछ तीसरी में, है ना। तो ऐसे करके हमारे को ढूंढनी पड़ती है रचनाएं, अलग अलग रचनाएं। तो जो एग्जामिनर जब एग्जाम बनाता है, क्वेश्चन बनाता है, तो वो भी अलग अलग किताबों से, अलग अलग सोर्सेस को लेकर के पेपर बनाता है ना। तो उसी हिसाब से हमें पढ़ना भी होता है। अब अगर वो सिर्फ एक शुक्ल वाली बुक उठा के पेपर तैयार करे तो आधी रचनाएं तो वैसी रह जाएंगी। तो इसीलिए एग्जामिनर क्या करता है, अलग अलग किताबें उठाता है और अलग अलग किताबों से क्वेश्चन पूछता है ना। तो इसलिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, शुक्ल ने सिर्फ इसी चीज का जिक्र किया है। आप पांडे में देख लेना, पांडे में सारी रचनाएं उनकी दी हुई है। बाकी हम आगे जैसे जैसे बुक्स पढ़ेंगे तो हमें वहां पर मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे पूछा है अर्धसंवृत्त। अर्धसंवृत्त का मतलब होता है जिसमें जो जब हम बोलते हैं तो मुंह का आकार जो है वो आधा खुलता है, मतलब है ना, पूरा मुंह नहीं खुलता है, आधा। ए ओ यहाँ पर क्या है, तीसरा ये वाला आंसर इसका सही है, तीन। तो यानी कि ए और ओ इसका सही आंसर है। ठीक है, आप जिसका फर्स्ट शिफ्ट में पेपर था उनको पता होगा क्या करके आए, क्या करके आए थे इसका। वैसे बता तो दो मुझे किसका सेकंड शिफ्ट में था, किसका फर्स्ट शिफ्ट में था। सेकंड शिफ्ट वाले जरा मुझे पेपर भेज देना। ओके, मालवी का केंद्र यहाँ पर पूछा गया था। मालवी, मालवी भाषा जो है उसका केंद्र क्या है ना, तो इंदौर उसका केंद्र था। यहाँ पर सही आंसर था इंदौर। अभी मैं आपको पूछती अगर मैंने यहाँ पे आंसर नहीं लिखे होते, मैंने यहाँ पे आंसर लिखे हुए हैं साथ में, तो अगली क्लास में मुझे इनको मिटाना पड़ेगा। ओके, इनका जीवन बर्फ की पवित्रता से पूर्ण और वन की सुगंध से सुगंधित है, ये कथन किसके बारे में है? इनका जीवन बर्फ की पवित्रता से पूर्ण और वन की सुगंध से सुगंधित है, किसके बारे में ये कथन लिखा है? ये टेक्स्ट अगर आपने पढ़ा होगा तभी आप इसको कर पाएंगे, है ना। तो टेक्स्ट पढ़ लेना साथ साथ में। नीचे दिए गए कथन है यहाँ पे समास, यहाँ पे जो व्याकरण है ना, व्याकरण से पूछे हुए। अभी समास आपको करवाए नहीं है, तो करवाऊंगी तो फिर तब आपको ये समझ आएगा। वैसे आपने किया पढ़ा होगा भेड़ चराने वाले, थोड़ा तो पढ़ के पता चल रहा है। हाँ पढ़ना पड़ेगा ना, टेक्स्ट पढ़ो जितना भी पढ़ सकते हो उतना, टेक्स्ट पे ध्यान दो, फिर आपका हो जाएगा आसानी से। तो यहाँ पे पूछा है गिरिधर बहुव्रीहि समास का उदाहरण है पहला कथन, दूसरा कथन है रामकृष्ण तत्पुरुष समास का उदाहरण है। उपरोक्त कथन में आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त का चयन करना है। तो इसमें तीसरा आंसर सही है, एक कथन सत्य है लेकिन दूसरा असत्य, तो ये वाला सही है और ये वाला गलत है। ओके, नागरी प्रजानी सभा के संस्थापक, ये तो मैं आपको करवाया भी था है ना, डीपली पूछा पेपर। हाँ जी, नागरी प्रचारिणी सभा के संस्थापक इसमें पूछा था कौन है, तो यहाँ पर जो इसका आंसर है वो ये है, दो। तो यानी कि ए सी और ई, यानी कि शिव कुमार सिंह, राम नारायण मिश्र और ई श्याम सुंदर दास, ये तीनों ही नागरी प्रचारिणी सभा के संस्थापक हैं। ठीक है, नागरी प्रचारिणी सभा,
ध्यान रखेंगे इसको, मतलब नोट्स भी बना ले अपने पास साथ साथ में, तो आपके लिए अच्छा रह जाएगा। उपन्यासों में गीतों कविताओं के प्रयोग पर सत्य कथन, तो उपन्यासों को देखते हैं। झूठा सच में पंजाबी कवियों बुल्ले शाह बाबा फरीद की कविताएं प्रयुक्त हैं। जिंदगीनामा में हिंदी कवियों तुलसी सूर के पदों का प्रयोग है। मैलांचल में सुमित्रा नंदन पंत की कविता का इस्तेमाल किया गया है। मानस हंस में मोहिनी रदास का भजन गाती है। तत्तमस में सर्वे भुवंतु सुखिनः का उपयोग किया गया है। तो इनमें से कौन सा सही है ये बताना था आपको, तो इसमें से अप्रोप्रिएट आंसर आपको चूज करना था। तो तीन वाला जो इसमें ऑप्शन है वो सही है, सी डी और ई, यानी कि मैलांचल ये वाला और ये वाला। तो मैलांचल में किसकी कविता का इस्तेमाल किया गया है, सुमित्रा नंदन पंत की कविता का। अब अगर आपने मैलांचल उपन्यास पूरा पढ़ा होगा तभी आपको पता होगा कि सुमित्रा नंदन पंत की कविता का उसमें जिक्र किया गया है। अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो ऐसे तो ये क्वेश्चन तो पता ही नहीं होता किसी को, है ना। तो इसीलिए ऐसे वाले डीपली सवाल पूछे गए हैं, तो आपको ध्यान से पढ़ना है इस बार टेक्स्ट, और आपको ध्यान दे करके शॉर्ट नोट्स भी बनाने हैं साथ में, ठीक है। शॉर्ट नोट्स आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, बनाते रहें। पढ़ रही हूँ, वेरी गुड, अच्छे बच्चे, सबने पढ़ना है ना। मानस का हंस में मोहिनी रैदास का भजन गाती है, तो ये भी मानस का हंस अगर आपने पढ़ा होगा तो ही आपको पता होगा। मानस का हंस भी अब बहुत इंपॉर्टेंट, मैलांचल मतलब तमस भी, सारे ही जितने भी उपन्यासों का यहाँ पे जिक्र है वो सारे इंपॉर्टेंट है, सब के सब पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। मानस का हंस ये सारे सिलेबस में भी हैं आपके, तो सिलेबस तो पढ़ो सबसे पहले, बीच बीच में बोला है। अच्छा, तो तमस में सर्वे भुवंतु सुखिना का उपयोग किया गया है, ये भी आपको तभी पता चलेगा जब आपने तमस पढ़ा होगा। तमस तो वैसे एमए में भी था, आपको था पता नहीं, है ना। मुझे, मैंने तो एमए में पढ़ा हुआ है ये। ओके, कबीर का घर शिखर पर, शिखर मतलब शिखर पर, जहां सिलहती गैल, इस वाक्यांश में सिलहती शब्द का क्या अर्थ है। तो यहाँ पर कबीर का घर शिखर पर जहां सिलहती गैल, तो इसका मीनिंग पूछा गया है। ये मैम है, तमस पढ़ा है, हाँ जी, तो एमए में था ये, और अगर आपने पढ़ा होगा तो अच्छा है, नहीं पढ़ा होगा तो आप इसको पढ़ लेना। अभी आपके पास टाइम है कि आप टेक्स्ट पढ़े, अभी टाइम है। अगर आप लास्ट में लगेंगे पढ़ने तो आप ना टेक्स्ट पढ़ पाएंगे, ना सिलेबस कवर कर पाएंगे, ना रिविजन कर पाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे आप। सेकेंड 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 सेमेस्टर में था क्या, बता रहे हैं फिसलने लायक, अच्छा इसका आंसर बना रहे हो। ओके, सिलहती, सिलहती मतलब फिसलने वाला। कबीर का घर शिखर पर जहां सिलहती गैल, तो ये बहुत ही ज्यादा डीपली सवाल पूछे गए हैं, और आपको उसी हिसाब से तैयारी भी इस बार करनी है। आपको साथ तो डरने की क्या बात, अच्छा हाँ मैं तो साथ हूँ, लेकिन थोड़ा सा आपको खुद भी मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। तो जो टेक्स्ट मैं भेजती रहती हूँ, अभी मैंने दो कितने दिन हो गए है ना, काफी दिन हो गए भेजा नहीं है, आज भेज दूंगी आपको कोई भी उपन्यास का अन्य कहानियां नाटक, तो आप पढ़ते रहना साथ साथ में। मैम आपका जेआरएफ कौन से ईयर में हुआ था, और कौन से अटेम्प्ट में जेआरएफ हुआ था। मेरा हुआ था सेकेंड अटेम्प्ट में, और फर्स्ट में मेरा नेट हुआ था, सेकेंड में जेआरएफ, और मेरा हुआ है 2021 में। भक्ति आंदोलन पर किस कवि ने गंभीरता से विचार किया है, तो भक्ति आंदोलन पर यहाँ पे चार ऑप्शन दिए हैं, मुक्तिबोध इसका सही जवाब है, तो आपको ये देखना है ना। ये हत्यारे गांव के मुखिया हैं, गरीबों का खून चूसने वाले, सूद ब्याज डेढ़ी सवाई, नजर नजराना घूस घास जैसे भी हो, गरीबों को लूटो उस पर सुराज चाहिए, जेल जाने से सुराज ना मिलेगा, सुराज मिलेगा धर्म से न्याय से। ये तो हमने, ये वाली पंक्तियां तो मैं आपको करवाई भी थी, याद है आपको। गोदान उपन्यास में ये कथन किसका है, गोदान में पूछा था ये, है ना। तो गोदान उपन्यास में ये कथन किसका है, धनिया का है, धनिया ही बोलती है ऐसी बातें, ठीक है। तो आपको पहले कैरेक्टर्स का पता होना चाहिए। देखो गोदान जो उपन्यास है ना, वो तो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा देखने देखने के लिए, फिल्म है यूट्यूब पर, ठीक है, फिल्म है, उसको अगर आप देख लेंगे तो आपको बड़े ही अच्छे से समझ आ जाएगा हर एक व्यक्ति का कैरेक्टर। तो इसको देख लेना, ठीक है। हंसने वाली बात नहीं बाबा, सच्ची में मिल जाएगा, और बड़ा अच्छा दिया हुआ है, अच्छे कैरेक्टर है। जो धनिया है उसने बड़ा अच्छा रोल किया है, और जो कौन है इसका नायक, बहुत अच्छा रोल किया है,
धनिया विरोधी तेवर की है। तो ये वाला मतलब जो अगर आप फिल्म देख लेंगे ना तो आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे उसके कि किसका कैरेक्टर कैसा कैसा है, वहीं से बातें करती है। हो रही, हाँ हो रही, जो आपने पढ़ाया। ओके, तो होरी जो है, होरी और धनिया का कैरेक्टर मतलब सबका ही बड़ा अच्छा है उसमें दिया हुआ। तो ये वाली देख लेना, गोदान यूट्यूब पे सर्च करके, 1-2 घंटे की फिल्म होगी। अगर आप देख लोगे ना तो आपको सबका कैरेक्टर समझ आ जाएगा किसका कैसा है। और अगर आपको जब कैरेक्टर समझ आ जाएगा फिर जब आपको पंक्तियां पूछी, देखो गोदान से तो पंक्तियां पूछी ही जाती हैं, अगर पंक्तियां पूछी जाएंगी तो आप फिर एकदम से उसका जवाब दे सकते हो, मतलब दिमाग लगा करके कि किसकी पंक्ति हो सकती है, तो उस हिसाब से आप दिमाग लगा के वहां पर आंसर कर सकते हो। क्योंकि आपको जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा उस तरीके से, क्योंकि पूरा उपन्यास तो मैं आपको नहीं पढ़ा सकती हूँ यहाँ पर, है ना, कुछ कुछ पंक्तियां मैं आपको करवा सकती हूँ इम्पोर्टेंट। तो आपको मतलब अगर आप ये फिल्म देख लेंगे तो आपको ध्यान में रहेगा कि कौन सा कैरेक्टर कैसे बात कर सकता है ना, तो इजी हो जाएगा आपके लिए, देख लेना। आगे है, चंचल किशोर सुंदरता की करती रहती रखवाली, मैं वह हल्की सी मसलन हूँ जो बनती कानों की लाली। यह किसका संवाद है? अब ये देखो कामायनी की पूछी गई है यहाँ पर पंक्ति, अब पढ़ा होगा कामायनी तभी तो आप बता पाओगे इसको, कई बार देखने से चीजें याद हो जाती हैं। हाँ नहीं, देखने से मतलब जो हमारा माइंड होता है ना पिक्चर्स को लेता है, पिक्चर्स को, है ना, इमेजेस को, इमेजेस को स्टोर करता है हमारा माइंड ज्यादातर, ज्यादातर केसेस में हमारा माइंड जो है वो इमेजेस को स्टोर करता है। तो जितना ज्यादा हो सके इमेजेस बनाओ, इमेजेस बनाओ, इमेजेस बनाओ, ठीक है, इसलिए तो टेबल बना बना के, इमेजेस बना बना के याद करते हैं, टीचर्स भी इमेजेस बना बना के पढ़ाते हैं इसीलिए, ताकि बच्चे के माइंड में स्टोर हो जाए। बड़ी गहराई में पूछा गया था क्वेश्चन। चंचल किशोर सुंदरता की करती रहती रखवाली, मैं वह हल्की सी मसलन हूँ जो बनती कानों की लाली। अब ये वाला जो है वो लज्जा सरक से है, तो मतलब लज्जा किसको आती है, मतलब ये लज्जा की तरह ही पंक्तियां लग रही है ना, जब किसी को शर्म आती है तो इस तरह से, थोड़ा सा बस थोड़ा सा ध्यान देने की बात है ना, तो कोई बात नहीं, पढ़ लेना है, लेकिन कामायनी भी पढ़ लेना है आपको, और सारे सर्ग पढ़ने हैं, 15 सर्ग है इसमें, सबके सब पढ़ने हैं, नहीं तो अपने आपके सिलेबस में 3 तो है ही, वो तो पढ़ ही लो, ठीक है, 15 सर्ग भी ध्यान रखने हैं आपको, और कुछ कुछ पंक्तियां ये भी एमए में है कामायनी, आपको होगा पढ़ा होगा आपने, कुछ सर्ग तो होंगे उसमें, चिंता आशा श्रद्धा, ये 3-4 सर्ग तो वहां पे मिलते हैं। भारतीय लोकतंत्र की आलोचना करने वाला नाटक युग्म पूछा है यहाँ पर, भारतीय लोकतंत्र की कौन आलोचना करता है नाटकों में, बकरी और महाभोज, ये तो वैसे ही पता है, मतलब अगर आपने पढ़ा है तब, नहीं पढ़ा है तो फिर तो कुछ भी पता नहीं है, है ना, तो महाभोज में भी लोकतंत्र की आलोचना की गई है, बकरी नाटक में भी, ये तो मैंने आपको पढ़ाए भी हैं, मतलब शॉर्ट में पढ़ाए हुए हैं ये सारे, है ना। तो ध्यान से, निम्नांकित पुस्तकों को उनके प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए, मतलब कि जो डेट्स हैं तो पहले कौन सा, बाद में कौन सा, बाद में कौन से, इस तरह से। महाभोज पढ़ा है मनु भंडारी का, हाँ जी, तो महाभोज भी इम्पोर्टेंट है, ये भी आपने एमए में पढ़ लिया होगा महाभोज, है ना, तो यहाँ पे है इसका आंसर जो है ये है। अब इसकी जो डेट्स अगर आपको देखनी है तो ये आपको पांडे में मिल जाएगी, है ना, मुझे अभी याद नहीं है इसकी डेट्स, तो पांडे में मिल जाएंगी, पहले नंबर पर ये है बी, दूसरे नंबर पर डी है, तीसरे नंबर पर है ए, चौथे नंबर पर है सी, और 5वें नंबर पर है ई, तो ये रहा इसका सीक्वेंस। और इसकी जो अगर इसकी सारी की सारी डेट्स अगर आपको देखनी है, क्रम जो अगर आपको इसका देखना है, तो ये आपको पांडे में मिल जाएगा, ठीक है, पांडे में देख लेना इसको सारा, और इसको नोट कर लेना डेट्स को साथ में। आगरा बाजार नाटक का आरंभ किस नज्म से होता है? अब आगरा बाजार नाटक अगर आपने पढ़ा होगा तभी आपको पता होगा कि शुरू कहाँ से होता है वो, है ना, तो कन्हैया का बालपन, बलदेव जी का मेला, आदमीनामा या शहर आशोक, कहाँ से, किस नज्म से आरंभ होता है ये, तो शहर आशोक से आरंभ होता है, थोड़ा उर्दू नाटक है ये, तो फिर इसमें थोड़ा जो शब्द है वो भी उसी तरह के हैं उर्दू के, है ना। स्कंदगुप्त के स्त्री पात्र कौन कौन से हैं? अब नाटक स्कंदगुप्त, ये भी एमए में पढ़ा होगा आपने, स्कंदगुप्त चंद्रगुप्त ये सारे नाटक तो एमए में थे ही, तो
पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो अब पढ़ लेना, अब तो पढ़ लेना अगले एग्जाम के लिए, अभी तक नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, नेक्स्ट एग्जाम के लिए पढ़ लेना, है ना। तो स्कंदगुप्त में स्त्री पात्र पूछे हैं कौन कौन है, तो यहाँ पर आंसर दिया है इसका केवल बी सी और डी, यानी कि देवकी, मालिनी और रामा, ये तीनों ही स्त्री पात्र किसके हैं, स्कंदगुप्त के। गुड। भारतीय नवजागरण के संबंध में उपयुक्त कथन किसके हैं, मतलब कौन कौन से हैं। नवजागरण का जमाना सभ्यताओं की टकराहट का ना होकर सभ्यताओं के आत्मनिरीक्षण का था। ये भारतीय नवजागरण तो आपको बच्चन से पढ़ाया हुआ बहुत अच्छे तरीके से। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने स्त्री अधिकार आंदोलनों की निंदा की। औपनिवेशिक माहौल में भारत का नवजागरण बुद्धिवादी जागरूकता के अलावा राष्ट्रीय आत्म पहचान का संघर्ष भी था। स्वामी दयानंद सरस्वती हिंदुओं की मूर्ति पूजा का समर्थन करते थे। भारतीय नवजागरण के जनक राजा राम मोहन राय को जीवन में आरंभिक काल में ही रूढ़िवादियों के प्रबल विरोध का सामना करना पड़ा। तो इनमें से कौन सा आंसर सही है, पहले तो ये वाला, औपनिवेशिक माहौल में भारत का नवजागरण बुद्धिवादी जागरूकता के अलावा राष्ट्रीय आत्म पहचान का संघर्ष भी था, ये वाला। और भारतीय नवजागरण के जनक राजा राम मोहन राय को जीवन के में आरंभिक काल में ही रूढ़िवादियों के प्रबल विरोध का सामना करना पड़ा था। तो ये भी आपको पढ़ाया, ये मैंने मतलब भारतीय नवजागरण पूरा बच्चन से बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है। तो इसका सही आंसर ये वाला है। आगे तीसरी कसम कहानी, ये तो आपने पढ़ी थी। तीसरी कसम कहानी के अनुसार कहानियां सारी पढ़ी थी ना, 21 कहानियां आपके सिलेबस में है और छोटी छोटी कहानियां हैं, इंपॉर्टेंट भी हैं। तो आप ऐसा करना, एक दिन इसको इसको कहानियों पे लगा ही लेना, है ना। नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया। अच्छा, तीसरी कसम कहानी के अनुसार हीराबाई का संबंध किन दो पंक्तियों कंपनियों से हुआ, सॉरी। तो तीसरी कसम कहानी में कौन सी दो कंपनियां थी, पंक्तियां बोल रहे हैं बार बार, मथुरा मोहन कंपनी और रोहता कंपनी। तो ये जब पढ़ा होगा आपने ढंग से कहानी, तभी आपको ये पता होगी कौन कौन सी कंपनियां हैं, है ना। इतना बाकी है, वो तो 100 क्वेश्चन है, अभी तो कहाँ ही पहुंचे हम। चलो यही छोड़ देते हैं। लगकर अनर्थ आर्थिक पद पर हारता रहा मैं स्वार्थ समय, ये भी पढ़ाई है बहुत अच्छे से, राम की शक्ति पूजा, है ना। इस इन इन पंक्तियों में मैं का अर्थ, मैं का अर्थ मतलब निराला बात कर रहे हैं। लख कर अनर्थ आर्थिक पथ पर, मतलब राम का जिक्र है ना उसमें, राम की शक्ति पूजा में राम की मनस्थिति का वर्णन है। रचना से पूछे हैं क्वेश्चन, हाँ जी रचनाओं से पूछे हैं क्वेश्चन, तो आपके सिलेबस में से पूछे, बाहर से कुछ नहीं है ये, अभी तक जितना हमने पढ़ा है सब आपके सिलेबस में से है। तो ये तो राम के माध्यम से कहलवाते हैं, लेकिन कहना तो खुद का निराला का है ये, है ना। निराला क्या कहते हैं, लख कर अनर्थ आर्थिक पथ पर हारता रहा मैं स्वार्थ समर, मतलब कि अपना ही जो युद्ध है वो, अपने ही जीवन का युद्ध जो है वो मैं हारता रहा। तो मैं का अर्थ पूछा है इसमें कि कौन है, कौन मैं है, मनु है, पुरूरवा है। अब मनु और पुरूरवा तो किसी भी हाल में नहीं हो सकते, ठीक है, क्योंकि ये राम की शक्ति पूजा है। मनु और पुरूरवा किसमें है, किसमें है ये, निराला और राम, राम की शक्ति पूजा, तो राम की शक्ति पूजा से ही राम का कथन है। चले आप प्रिय प्रवास, ये कल मतलब फिर देख लेंगे नेक्स्ट क्लास में, है ना। अभी आप जाइए अपनी क्लास अटेंड करिए, कल की क्लास में मिलते हैं आदिकाल के प्रकरण 3 के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। ठीक है, चले, ओके मैम, थैंक्स, बाय, ओके, मोस्ट वेलकम, बाय बाय, मोस्ट वेलकम, श्वेता, अंजलि।